मेरी प्लेस थी जो मैंने नेट में देखी थी, तो फाइनली वो प्लेस आ चुकी है। अच्छा लग रहा है। मैं नमस्कार, और आज मैं आया हुआ हूँ हौजका डिस्ट्रिक्ट पार्क, और सुबह के 10 बजे हुए हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो हौजका डिस्ट्रिक्ट पार्क है, यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो आरकेपुरम है, और सबसे अच्छी बेस्ट प्लेस है। अगर आप लोग को आउटडोर पेंटिंग करनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। और मेरे साथ है एक मेरा फ्रेंड और स्टूडेंट हरप्रीत। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे आज कितने स्टूडेंट्स आते हैं। आप लोग को ऐसे मालूम ही होगा कि मेरा इंक एंड वाटर कलर्स करके ग्रुप है, जिसमें बच्चे आकर के फ्री में मतलब काम कर सकते हैं और एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो ये पूरा एक आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे, जिससे कि आपको कुछ भी वाटर कलर पेंटिंग करनी है, जो भी आपको लगता है लैंडस्केप में, मतलब या आपको पेंसिल स्केचिंग या किसी भी एनी कलर मीडियम है, यू कैन डू। सो देखते हैं आज क्या होता है, आज हम क्या बनाएंगे, और सभी वीडियो आपको अपडेट मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो काफ़ी बहुत कुछ होने वाला है आज यहाँ पे। और सबसे एक चीज़ और ही बताना चाहूँगा आप लोग को, कि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप आउटडोर पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग अकेले जाने डरते हैं। इसलिए मेरा जो ग्रुप है इंक एंड वाटर कलर्स करके, मैंने ग्रुप इसीलिए बनाया है कि जिसको डर लगता है अकेले जाने पर, तो वो आ करके साथ में काम कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं आगे, जैसा सा आपको मैं आगे दिखाऊंगा सीन्स, आप उस तरीके देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छे व्यूज़ हैं इसमें, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पेंटिंग बना करके पोस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। सो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का। पार्क तो नॉर्मल दिल्ली में आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पार्क है जहाँ पे आप अपने मन को शांत रख सकते हो, यानी आके यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हो। तो सुबह का वक्त इसलिए अच्छा होता है कि आप बहुत ही शांति से यहाँ पे आके वर्क कर सकते हो, क्योंकि शाम हो गया भी, वैसे बरसात का मौसम है, तो किस्मत ख़राब हुआ हो तो फिर बरसात भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ का। तो काफ़ी बढ़िया है। अभी आके 2-3 घंटे काम करेंगे यहाँ पे, और अभी मैं एक ऐसी प्लेस देख रहा हूँ जहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से एक अच्छा व्यू दिखे, जहाँ से मैं पेंटिंग स्टार्ट कर सकूँ। अभी धीरे धीरे करके स्टूडेंट भी आ रहे हैं, तो सब लोग आ जाएँ, फिर कुछ बातें करेंगे, उसके बाद ही कुछ काम स्टार्ट करेगा। तो अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा हूँ, राइट साइड में कुछ दिखता है। फाइनली स्टार्ट हो चुकी है हम लोग की लोकेशन, और अभी सर्च करते हैं पेंटिंग कहाँ करनी है। और थोड़ी धूप निकल रही है, तो अच्छी बात है एक वाटर कलर आर्टिस्ट के लिए। धूप निकल रही है तो यानी कि आप एंड लाइट एंड शेडो को आप पकड़ सकते हो अपनी पेंटिंग के हिसाब से, तो अच्छे से आप काम कर सकते हो। और जो झील वाला एरिया है यहाँ पे, वो फाइनली मिल चुका है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग, जिनको नहीं पता है कि हौजका डिस्ट्रिक्ट पार्क में ऐसा व्यू भी है, तो वो लोग देख सकते हैं। और अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ कोई भी टिकट नहीं है, मतलब आप फ्री में यहाँ पे आ सकते हो और फ्री होके आराम से काम कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। अभी तो आगे पेड़ पौधे आ रहे, तो मैं ऐसा व्यू सेलेक्ट करूँगा कि जहाँ सामने एकदम फ्रंट में पेड़ ना पड़े, और यहाँ बंदर भी है, कहीं ऐसा ना हो मेरा मोबाइल लेके भाग जाए, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। और एक थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि लास्ट वीडियो हो जाए मेरे ब्लॉग की। बंदर जा चुके हैं, और जो मेरी प्लेस थी जो मैंने नेट में देखी थी, फाइनली वो प्लेस आ चुकी है। और काफ़ी अच्छा व्यू है अगर आप लोग देखें तो। और कभी भी अगर आप लोग हौजका डिस्ट्रिक्ट पार्क आ रहे हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट प्लेस है पेंटिंग के लिए। पेंटिंग आप कुछ भी, ड्राइंग, वाटर कलर, जो भी आपको करना है, काफ़ी अच्छा व्यू है। आप यहाँ से खड़े होकर भी कुछ भी बना सकते हो। ये कितना अच्छा व्यू है। और जो आपको ये राइट साइड में दिख रहा है, हौजका विलेज का यहाँ पे पब कैफे जो भी हैं, जिनको पता है उनको तो मालूम ही होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहता हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आगे जो जा रहे हैं मेरे, अभी और भी बहुत सारे लोग होंगे, आपको वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही सुकून है, सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, सुकून, कि आराम से वो काम कर सके। तो देख सकते हैं आप, थोड़ी उमस है बट बारिश नहीं है, कोई बात नहीं, घेर लिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये व्यू देख सकते हो आप, कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब जैसे आपकी इच्छा वैसा आपको काम करना है, जो भी आपको प्लेस देखनी है आप व्यू अपने यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से पूरा एक नज़ारा आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा।
अभी तो जल्दी आ गया हूँ मैं। वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स थे। अभी कुछ लोग कॉल आ रहे हैं बट अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं कॉल उठा नहीं रहा हूँ। और ये इस व्यू के थोड़ा सा मैं पास से दिखा रहा हूँ। अगर आपको वाटर कलर पेंटिंग करनी है आप यहाँ से खड़े होकर भी काम कर सकते हो, जितना आपको एरिया सेलेक्ट करना है। और ये व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं क्या बेस्ट हो सकता है, उसके हिसाब से मैं काम करूँगा, क्योंकि अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। जैसा आपको सही लगता है वैसे काम कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम है आप ये देख सकते हो। ये काफ़ी पुराने टाइम से है और हौज खास में काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। वह दिल्ली के अलग जगह पे मैं शूट्स करता रहता हूँ, पेंटिंग्स करता रहता हूँ, तो आगे वीडियो बनाता रहूँगा मैं आप लोग के लिए, जो भी अच्छे व्यूज़ होंगे या जो भी दिल्ली में ऐसी प्लेस है जिनको नहीं पता है कि हम कहाँ कहाँ पे जाके पेंटिंग कर सकते हैं, सबसे सेफ़ एरिया कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी आप लोग को बताऊँगा। और काफ़ी ज़्यादा उमस हो रखी है, वो तो आपको दिख रहा होगा फेस से। अभी पेंटिंग स्टार्ट कर कुछ स्टूडेंट का मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं एटलीस्ट सब लोग एक साथ आ जाएं, फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। और अच्छा लग रहा है कि बारिश नहीं है, कल ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो, कुछ दिक्कत हो जाए। आप पीछे का व्यू देख सकते हो कितना बढ़िया है, और इस साइड का व्यू आपको दिख रहा होगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और जो दिल्ली के जो लोग हैं जिनको लगता है पेंटिंग करना है वो साथ में ज्वाइन भी कर सकते हैं मुझे। तो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है आप लोग को, तो काफ़ी गहरी झील है। तो अभी हम लोग पेंटिंग स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, और गर्मी हद से ज़्यादा है। और अभी मैंने पेंटिंग में बैकग्राउंड कर दिया, आप देख सकते हो सामने जो व्यू दिख रहा है उसमें देख सकते हो जो पीछे का एक एरिया है जो ट्रीज़ का, ट्रीज़ में डिटेलिंग ज़्यादा दिख रही है आपको, लेकिन मैंने उस चीज़ में बहुत काफ़ी अच्छी सॉफ्टनेस से वो चीज़ करी जिससे कि एक डेप्थ क्रिएट हो। पेंटिंग में जब हम करते हैं हमें बहुत चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर जो हमारा एक मिडिल ग्राउंड है उसमें हम क्या कहते हैं कि हम कितनी डिटेल कितनी देनी है, बैकग्राउंड कितना सॉफ्ट रखना है, तभी हम डेप्थ क्रिएट कर पाते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो एक सॉफ्टनेस इसमें आप देख सकते हो, और पूरा सेटअप है, सेटअप क्या है नॉर्मल, मुझे मालूम ही था कि बारिश होगी नहीं होगी, इसलिए मैं नॉर्मली बैग में अपनी स्केच बुक, वाटर कलर की एंड पेपर, क्या कहते हैं, और कलर रख लाया था सारी चीज़ें। तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में। और जो भी ग्रुप के बच्चे हैं वो भी अलग जगह बैठे हुए हैं, सामने देख सकते हो दो वहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे मतलब फैले हुए हैं अलग जगह पर। सबको इकट्ठा करने जाऊँगा टाइम लगेगा, अभी तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आफ्टर द इसके बाद हम लोग सबसे मिलेंगे, एक मीटअप करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या कैसे किसने कैसे क्या काम किया सारी चीज़ें। यहाँ पे एक प्रवीण सर हैं जो कि काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। मैटर नहीं करता है कि एज क्या है, मैटर करता है कि आपके अंदर काम करने जुनून कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। तो अभी मिलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेंटिंग में। पेंटिंग डन है और एक नॉर्मल से इफेक्ट दिया है, एक वाटर कलर स्केच मैंने बना के दिखाया आप लोग को। और ज़रूरी होता है कि जो सामने अगर आपको कोई व्यू दिख रहा है आपको पूरा एकदम स्टैंड से कॉपी बनाना है, थोड़ा सा आपको उसमें एक आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। और जित अच्छी बात होती है जितना अपनी कलर स्कीम से काम करेंगे उतना ही आपको मेमोरी लैंडस्केप में आपको हेल्प करेगा, और कभी आप आउटडोर पर जाते तो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। सो अभी देख लेते हैं बाकी लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ पे प्रवीण सर कुछ वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्राइट लग रहा है। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है आकर के आज? हाँ,
बहुत अच्छा लगा और आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जी। और जगह भी आपने बहुत ही उपयुक्त चुनी है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। एक तरफ ये पुरानी इमारत है, दूसरी तरफ झील है जी, तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। एंड एक अच्छी बात मेरे लिए है कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतना अच्छा लगता है, और हम लोग को एक ताकत मिलती है। और जब आप जैसे लोग हम लोग जुड़ते हैं तो हम लोग को एक सिंपल बात ब्लेसिंग्स मिलती हैं और अच्छा काम करने की, और आप लोग को देख के हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है। तो अच्छा लग रहा है कि एंड जो आपने ब्राइट कलर्स में दे रखे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक यूनिक स्टाइल दिख रहा है। और ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा करो, मैटर ये करता है आप लाइव आके काम कर रहे हो, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक यू सर आने के लिए। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं इंक एंड वाटर कलरिस्ट के, जिसमें एक हरप्रीत है और ओम है, और दोनों ही बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा काम है। सबसे बड़ी बात होती है सिर्फ काम मैटर नहीं करता, बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे लड़के हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ओम एक्रेलिक में वर्क करता हुआ, क्या बात है ओम, लगे रहो। तो ओम कैसे कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लगता है आउटडोर पे आने पे? सर आउटडोर पे आकर के ना जो नेचर है, हम क्या करते हैं एक कमरे के अंदर कैद होकर के रह जाते हैं। सही बात है। यहाँ पे क्या है कि जो प्रकृति हमें हमारे आसपास बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे कि नज़ारा ये सब है। तो सर्दी के टाइम पे हम लोग आया करते थे पहले, तो सुबह के टाइम में क्या होता है कि चिड़िया चहचहा रही है, ठीक है, उसके बाद एक अच्छा नज़ारा होता है और खिली खिली धूप होती है, उसके अंदर एक ऐसा प्यारा सा म्यूजिक ला करके जब हम काम करते हैं तो एक तरह का वो मेडिटेशन होता है। राइट। तो हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, हमें नेचर को टाइम देना चाहिए, हम नेचर को समझेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम नेचर में जो है उनका हम ड्रो कर रहे हैं, हम पेंटिंग बना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है लोग जब लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से वो समझेंगे प्रकृति का जो सौंदर्य है जो दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है, तो उसके बारे में वो जागरूक होंगे कि चलो हमें भी अपने आसपास चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे बाग बगीचा है ना लगाना हो, चाहे बालकनी, ये सब में तो कुछ ना कुछ लोगों के अंदर जागरूकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट आता है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग तो घर पे काम करते रहते हैं, लेकिन एक समय हम लोगों को निकालना चाहिए। राइट राइट। मिलकर के काम करना चाहिए। नहीं अच्छा लगता है, आप लोग टाइम दे रहे बहुत अच्छी बात है। और यहाँ देखो कुछ बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ बच्चों को लग रहा है ये हो क्या रहा है ना, उन लोगों के लिए नई चीज़ होती है, क्योंकि कभी कुछ चीज़ें होती देखने को मिलता नहीं है। बट अच्छा लग रहा है। काफी सारे बच्चे हैं हौज खास में जो यहाँ पे आसपास रहते हैं। और यहाँ पे आप लोग पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 पॉइंट दिख रहा है, जो आर्ट के स्टूडेंट उनको मालूम होगा। और अगर आपको पेंसिल शेडिंग में काम करना है तो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, तो आप लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं उधर साइड, और काफ़ी जगह मतलब हर जगह फैले हुए हैं आप देख सकते हो, तो सबको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि जिनको मैं कवर कर सकता हूँ उनको मैं कर ही रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूछते हैं कि उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा और वो क्या काम कर रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। नहीं तो जब तक किसी के पास जाओ नहीं तो वो अपने आराम से मतलब बातें चल रही होती हैं। बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज़रूरी है, हंसना नहीं काम के बारे में बताना है। और कैसा लग रहा तुम्हें वैसे, अच्छा लगता है ग्रुप में आके, क्या लगता है तुम्हें? यस सर, बड़ा मज़ा आता है कि यहाँ पर मतलब हम बाहर मतलब वैसे तो मैं बाहर निकलता नहीं घर से, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाहर निकलने की, तो आई स्केचिंग बढ़िया है। अच्छी वीडियो में अच्छे लग रहे हो, बट फोटो भेज नहीं सकता तुम्हें। और यहाँ पे रिया जो कि कैलीग्राफी बहुत अच्छा है और पेंटिंग भी अच्छा है, बस ये है कि मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि रेगुलर काम करते रहो, क्योंकि अच्छा कुछ नहीं होता है, सब दिमाग का खेल होता है। बस ये कि काम करते रहो और थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस से अपने काम को इम्प्रूवमेंट। तो रिया कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ के, अभी शायद तुम्हारा सेकेंड या थर्ड आउटडोर है ये? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात, तुम्हारे घर के पास ही हो रहा है, तुम्हें ज़्यादा दूर लगा नहीं है। बट कुछ ऐसे आउटडोर होंगे जो थोड़ा आपके घर से दूर भी हो सकते हैं। अब देखो मैं गाजियाबाद रहता हूँ तो मेरे यहाँ से कितना दूर है, बट फिर भी मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस मैटर नहीं करती, काम मैटर करता है। तो जब आप अच्छा काम करोगे तो लोगों के पास जल्दी पहुँच सकते हो आप, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे इसको
तो इंजीनियर बनता है, क्योंकि है ना यहाँ पर कॉमर्स में थोड़ा काम जल्दी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और काफ़ी अच्छा काम है भारती जी, वेरी नाइस, बढ़िया है, करते रहो। और थोड़ा स्पीड में, स्पीड ज़रूरी है, हमेशा मैं बोलता हूँ काम तो अच्छा होना चाहिए, स्पीड भी ज़रूरी होनी चाहिए। तो आप लोग अच्छा लग रहा है, आउटडोर पे आते हो, बढ़िया, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एकदम लगे हुए हैं अच्छे से काम करने में। और यहाँ पे सोनाली बैठी है जिसने आज ही ज्वाइन किया है। और सोनाली आपको कैसा लगा आज वैसे आकर के? अच्छा अच्छा काम है, दिखाने का वर्क दिखाना, वेरी नाइस, बढ़िया। तो सोनाली ये व्यू बना रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छी बात ये है कि टाइम निकालना ये बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम पे लोगों का टाइम ही नहीं होता है, तो और समय को ख़रीद नहीं सकते। तो बस ये है कि काम करो और टाइम दो, कोई काम अच्छा होगा तो हमें, जब एक काम अच्छा होता है तो एक मोटिवेशन मिलती है, तो हम टाइम को भी टाइम दे पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अच्छा है, आप लोग काम करते रहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट काम भी हैं, जो लेट आए हैं उनके इनकम्प्लीट वर्क हैं, बट यहाँ पे कुछ कंप्लीट वर्क भी है, कलरफुल हैं। अच्छा, अच्छी बात है कि पहले से काफ़ी अच्छा काम दिख रहा है, काम कम है क्योंकि आज कुछ लोग के बच्चों के एग्ज़ाम थे इसलिए आ नहीं पाए, तो कुछ बच्चे कहीं गए हुए हैं एग्ज़ाम देने अलग जगह पे स्टेट्स में। तो आप लोग यहाँ वर्क देखो, कुछ वाटर कलर के हैं, कुछ एक्रेलिक में भी काम अच्छा हो रखा है, काफ़ी बढ़िया है। तो डिपेंड करते हो, जितनी जल्दी आप लोग आएंगे यहाँ पे उतना आप अच्छे से काम कर पाओगे, जितना टाइम दोगे। वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब समय का खेल है, जितना समय आपके साथ रहेगा उतने काम आप अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पर जो बच्चों ने आज काम किए वो खड़े हुए हैं, और दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे हैं सभी, ठीक है। कुछ आर्ट्स कॉलेज में हैं, कुछ आर्ट फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सफलता उनको मिलेगी। तो आप लोगों को कैसा, सभी को अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ आकर के सबको बढ़िया लगा? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आगे भी ऐसे ज्वाइन करते रहोगे आप लोग, ठीक है। कभी देखो, ज़रूरी नहीं होता है कि अब 100 लोग आ रहे हैं तो 100 में 100 हमेशा रहेंगे, कभी कुछ काम होता है, कभी कोई नहीं आ पाता है, कभी। हाँ, मेरा ना परसों एग्ज़ाम है हमें का। अच्छा, उतनी तैयारी भी नहीं की, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ पाया। देखो, ये भी तैयारी है देखा जाए तो, और हाँ ये तो है। पूनम, हाँ पूनम, आपको कैसा लगा, मतलब? अच्छा, आप कॉलेज ऑफ आर्ट से हो, कौन सी ईयर है आपका? मेरा फाइनल ईयर है और अच्छा। मैं अप्लाइड आर्ट कर रही हूँ, मैंने सेकंड टाइम यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने पेन वर्क अटेंड करा है, पर बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो अच्छी बात है। देखो, एक अच्छी बात इस ग्रुप में क्या है, एक अच्छी बात ये है कि सब अलग अलग आर्ट्स कॉलेज से हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आर्ट्स कॉलेज का ही या कोई बहुत टाइम से आर्ट कर रहा वही ज्वाइन कर सकता, कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, सबके लिए फ्री है। और कुछ डीसे के स्टूडेंट्स भी हैं, डीसे में पढ़ा चुका हूँ पहले, अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब कि ज्वाइन कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि काम कर रहे हैं आगे, सिर्फ ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे काम करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब अलग अलग जगह से हैं, कुछ दिल्ली के प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं, कुछ दिल्ली से अलग स्टेट के भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा, तो सभी लोग मुस्कुरा देना अच्छे से, ठीक है। और अच्छा लगता है कि आप लोग, बस यहीं से आज की ये सब इसको मैं एंड कर रहा हूँ, और आगे जब नेक्स्ट मैं कुछ कहीं जाऊँगा तो उसका पूरा प्रॉपर शूट करूँगा। और जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी लास्ट तक, तो सब्सक्राइब कर देना और बाकी लोग को भी शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच सभी को, और इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आर्ट की कहानी को। सो सभी को बाय बाय एंड थैंक यू, बाय बाय।